नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षित गर्ग है और मैं मणिपाल हॉस्पिटल पालम विहार गुड़गांव में एज कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी काम कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आपसे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन हमने शुरू किया था जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी दिल के करंट से जुड़ी होती है। तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए और ऐसी बीमारियों के बारे में आज बात करेंगे। तो उसमें एक प्रमुख नाम आता है एट्रल फिब्रिलेशन नाम की तकलीफ का। एट्रल फिब्रिलेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें आपकी हार्ट की गति अनियमित हो जाती है, यानी किसी समय पर वो बहुत तेज भी हो सकती है, 150-200 से भी ऊपर जा सकती है और वो घटकर 30-40 भी जा सकती है। हमारे शरीर में जो नॉर्मल करंट की संरचना ईश्वर ने बनाई है उसमें हमने आपको बताया था कि एक SA नोड होता है, वहाँ से करंट चलता है जो कि दिल की राइट साइड से में होता है और वहाँ से ट्रेवल कर वो एक AV नोड नाम से एक जगह होती है, वहाँ कर रुकता है और फिर सारे शरीर में बाकी जो हार्ट है उसमें ट्रेवल करता है। उम्र के साथ और ख़ासकर अगर कोई और बीमारी है जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट का फंक्शन कम होना, किडनी की प्रॉब्लम्स होना, शुगर की तकलीफ होना, ऐसे पेशेंट्स में अक्सर हार्ट की गति पे असर पड़ता है। हार्ट का साइज अगर बड़ा हो तो इस चीज़ के होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तकलीफ अचानक ही शुरू होगी, कई बार कुछ पेशेंट्स को ये तकलीफ कुछ समय से चल रही होती है पर उन्हें महसूस नहीं होती है, पर अक्सर पेशेंट को जब ये पहली बार होता है, ये तकलीफ होती है, तो वो सडनली ये महसूस करते हैं कि दिल की गति बहुत तेज़ हो गई है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि दिल की धड़कन तेज़ है और वो बहुत दूर से भाग कर आए हैं। ये ऐसे तो जीवन को खतरे में डालने वाली बात नहीं होती है, लेकिन इसके साथ 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स जुड़ी होती हैं। पहली तो पेशेंट को सिम्टोमेटिक होना, यानी कि पेशेंट को एकदम से ऐसा महसूस होना कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गए हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है। उससे भी एक खतरनाक जो चीज़ है, जो तकलीफ इसकी वजह से पेशेंट को हो सकती है, वो है स्ट्रोक, यानी कि लकवे के होने की संभावना। ब्लड एक नदी की तरह होता है, जब तक नदी बह रही है, जब तक उसमें उसका पानी का फ्लो बना हुआ है, तब तक उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़, जो भी चीज़ें उसके अंदर घुली हुई हैं वो भी उसके साथ बहती रहती हैं। पर अगर आप एक भी ग्लास निकाल कर उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें तो उस पानी की सारी मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है, सेटल हो जाती है। यही ब्लड के साथ भी होता है। ब्लड जब तक चल रहा है तब तक उसमें जो भी घुले हुए पदार्थ हैं वो साथ ही उसके चलते जाते हैं, लेकिन अगर ब्लड की या तो बहना बंद हो जाए या फिर किसी वजह से वो स्लो हो जाए, उसका फ्लो स्लो हो जाए, उसकी वेलोसिटी कम हो जाए, तो उसके अंदर भी जो भी चीज़ें घुली हैं वो नीचे बैठने लगती हैं और वो इकट्ठा होकर एक क्लॉट का शेप ले लेती हैं, एक खून का थक्का बन जाता है। इस वजह से ये क्लॉट टूटकर शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकता है, लेकिन जो सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन, जो सबसे खतरनाक इसके कारण जो तकलीफ आ सकती है पेशेंट को, वो है इस क्लॉट का टूटकर ब्रेन में जाना। ये अचानक ही लकवे का कारण बन जाता है। पेशेंट को अक्सर सडनली ये होगा, अचानक ही ये महसूस होगा कि उसकी जबान लड़खड़ा रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, शरीर के आधे हिस्से में कमजोरी आ गई है, हो सकता है वो पूरी तरह ही काम करना बंद कर दे और वो गिर भी सकते हैं और कई बार उन्हें बेहोशी भी आ सकती है। ऐसे में तुरंत पेशेंट के सिम्टम पहचान कर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शुरू के 5-6 घंटे के अंदर अगर हम खून का थक्का पिघलाने वाली दवाई अगर पेशेंट को मिल जाती है तो उससे इससे होने वाले दुष्प्रभाव, इससे होने वाले डैमेज को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, संक्षेप में बात करें तो एट्रल फिब्रिलेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें दिल की गति अनियमित हो जाती है और दिल की गति बढ़ने की टेंडेंसी रहती है और स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब आज आपसे इस विषय में इतनी ही जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। आप इसकी ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी आपको अगले एपिसोड में हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।